नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं दत्वार 24। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। भारत की तारीफ और अमेरिका पर निशाना। चीनी मीडिया ने किसे बताया G20 के रंग में भंग डालने वाला। भारत में 18वां G20 शिखर सम्मेलन शनिवार और रविवार को आयोजित हो रहा है। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के नेता भारत पहुंचे हैं। इस बीच चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत की मेजबानी से जुड़ा एक लेख लिखा है। इसमें उसने भारत की तारीफ की है, वहीं पश्चिमी देशों पर निशाना साधा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बहुपक्षीय राजनयिक शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। तैयारियों को देखकर ऐसा लगता है कि भारत इसे बेहद महत्व देता है। भारत को लगता है कि इसका सफल आयोजन उसके कद को दुनिया में बढ़ाएगा। रूस यूक्रेन संघर्ष पर ज्यादा ध्यान। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि पश्चिमी देश इन एजेंडों की जगह रूस यूक्रेन संघर्ष पर अपना ज्यादा ध्यान दे रहा है। भारत ने यूक्रेन के प्रतिनिधि को G20 में नहीं बुलाया है। ग्लोबल टाइम्स ने तारीफ करते हुए लिखा, इन एजेंडों की श्रृंखला से यह देखने मुश्किल नहीं कि भारतीय पक्ष आर्थिक सुधार और बहुपक्षीय कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, जो हमेशा से G20 मंच का मुख्य विषय रहा है, लेकिन पश्चिम और अमेरिका ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जज्बात 24।